हाँ, पच्चीस पच्चीस क्वेश्चन होगा। मैथ से है तो आपको मैथ 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन, फिजिक्स। पूरा हॉस्टल आपको दिखाने के बाद हम हॉस्टल के मेन गेट पे बैठे हुए हैं। कुछ एग्रीकल्चर बीएचयू के छात्र मिले हैं और इस हॉस्टल के बारे में पूरी एक छोटी सी संक्षिप्त जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, जो हम एक हर वीडियो के पीछे करते हैं। जैसे किसी भी हॉस्टल को दिखाने के बाद उसके अंदर सारी बातें एकदम अच्छे से सटीक जानते हैं कि आखिर चल क्या रहा हॉस्टल में, इन्वायरमेंट क्या है। तो देख लीजिए आप लोग कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सब लोग सुशील और अच्छे लोग हैं। हम बात करेंगे, अच्छा ये हॉस्टल की कोई टाइमिंग होती है क्या कि बॉयज हॉस्टल 10 हॉस्टल में 10 बजे गेट बंद हो जाता है? यहाँ पे भी होता है ऐसा कुछ 10 बजे गेट बंद हो जाता है? रहता है, लेकिन अगर इमरजेंसी लग गई, कोई काम है तो आपको जाना पड़ेगा, परमिशन बोल के आप जा सकते। अच्छा, और अगर हमारे पास एक मैं छात्र हूँ तो यहाँ से फैकल्टी कितनी दूर है आपकी? ज़्यादा नहीं है, 700-800 मीटर बस, विश्वनाथ मंदिर के बाद 400 मीटर, 400-500 बीटी के जस्ट बगल, 400-500 मीटर के लिए। उसके लिए लोग साइकिल रखते हैं, गाड़ियाँ रखते हैं, तो यहाँ पे रख सकते हैं हॉस्टल में? यहाँ पे पीछे रखी हुई है। अच्छा, पढ़ने के साथ साथ खेल कूद का यहाँ पे क्या माहौल है? ग्राउंड या गार्डन कुछ ऐसे? 100 मीटर के दूरी है, ये बताएंगे खिलाड़ी। ये नेशनल खेल के आ चुके हैं, हमारा ग्राउंड है। अच्छा, ये नेशनल टी शर्ट भी इसीलिए पहने? हॉस्टल के बगल में ग्राउंड है हमारा, उसमें टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, इनफैक्ट इंडोर बैडमिंटन डेवलप होने वाला है, बाकी ग्राउंड काम चल रहा है। और हॉस्टल के बच्चों के लिए हॉस्टल के पीछे बैडमिंटन कोर्ट है। अच्छा, लॉन टेनिस कोर्ट भी। अच्छा, बाथरूम के बगल में पीछे? हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऊपर ऊपर टीवी लगा है, वहाँ पे टेबल टेनिस जिम है, जो इंडोर गेम है वहाँ पे हो जाए। अच्छा, इंडोर गेम में टेबल टेनिस में यहाँ खेला जाता है। कॉमन रूम है क्या यहाँ? कॉमन रूम मतलब किस लिए दिया जाता है कॉमन रूम? कल्चरल फेस्ट जो भी ऐसे होते हैं, जो हॉस्टल के ही होते हैं हमारे, जो इंट्रा हॉस्टल में रहेंगे, जैसे कि जब नए फर्स्ट ईयर के छात्र आते हैं तो यहाँ पे 15 दिन का एक हॉस्टल डे के नाम से इवेंट होता है, जो कि हम स्मृति के नाम, क्योंकि हमारे हॉस्टल का नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉस्टल का ऐसा है। तो राधाकृष्णन जी का जन्मदिवस आपको पता ही होगा, 5 सितंबर को आता है। तो 5 सितंबर जब से एडमिशन होते हैं, जब नॉर्मल सब चल रहा होता है, तो अगस्त से शुरू होता है, और 16 अगस्त, 15 अगस्त से और 5 सितंबर तक, तो ये 15 और 20 दिन तक का हमारा ये इवेंट चलता है। 5 सितंबर को हम लोग हॉस्टल डे मनाते हैं, तो उस समय जो भी इवेंट होते हैं सारे कल्चरल इवेंट्स, वो सब कॉमन रूम में या फिर यहाँ नीचे होते हैं। अच्छा, मतलब उस दिन पूरा रंगारंग कार्यक्रम? रंगारंग पूरा कार्यक्रम, खाना भी सब लोगों का, जो हमारे इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर लोग होते हैं, जो हमको पढ़ाते हैं, वो लोग आते हैं, यहाँ के कर्मचारी रहते हैं और यहाँ पे पढ़ने वाले छात्र, मतलब जूनियर से लेकर सीनियर तक सभी लोग आते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सब सारी सुविधाएं हैं। यहाँ बाथरूम की क्या सुविधा है? बाथरूम सही है जो मैंने दिखाया यहाँ पे? जो दिखाया वही है, वही है। तो मतलब इसमें कुछ अपग्रेड करने लायक है? कुछ मेंटेनेंस इसका प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी मेंटेनेंस अभी हुआ है और कुछ चल भी रहा है। ऊपर के बाथरूम में टाइल्स लगे हुए हैं, नीचे के बाथरूम में टाइल्स नहीं? चल रहा है अभी। हॉस्टल क्या है, खुला नहीं है, खुलने की संभावना भी नहीं है, तो इस वजह से कार्य थोड़े धीरे धीरे धीरे। अच्छा, यहाँ पे मैं जैसे बाहर जा रहा हूँ और अंदर आ रहा हूँ, हॉस्टल के गेट को क्रॉस किया आया, तो अटेंडेंस और रजिस्टर में कहीं कुछ लिखा जाता है क्या? अटेंडेंस अभी तो नहीं चल रहा है, क्योंकि नॉर्मल करिकुलम में रेगुलर नहीं होता है, लेकिन जब नए बच्चे जो आते हैं फर्स्ट ईयर में, क्योंकि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में बच्चे सीनियर हो जाते हैं, तो उनको ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आती हैं। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे रहते हैं, उनके साथ थोड़ी समस्याएं रहती हैं कि उनको यहाँ की यूनिवर्सिटी का माहौल भी नहीं पता है, जगह कौन सी कहाँ पर है, कौन सा सामान कहाँ से होगा, कब आना है, कब जाना ठीक रहेगा, कौन सा गेट कब बंद होगा, तो उसके चलते यहाँ पर रजिस्टर रखा होता है, अभी भी उसमें रखा हुआ है दराज में, उसमें उनकी एंट्री होती है। अच्छा भैया, माता पिता एक जानना चाहते हैं कि बच्चे हमारे कहीं जा रहे हैं तो हेल्थ की क्या फैसिलिटीज वहाँ पे? हेल्थ की फैसिलिटी ऐसी है कि यहाँ सब लोग जनरली साथ में हम रहते हैं, किसी को कोई समस्या आती है तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे हेल्थ सेंटर है, स्टूडेंट हेल्थ सेंटर, वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद यदि और ज़्यादा जरूरत होती है तो सुंदरलाल हॉस्पिटल जो हमारे बीएचयू में ही है, और किसी प्रकार की जरूरत होती है तो ट्रॉमा सेंटर। मतलब हम बोल सकते हैं कि बीएचयू के पास 3-4 हॉस्पिटल हैं अपने, अभी फिलहाल में टेम्पररी डीआईडीओ भी है, तो ढेर सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी। अच्छा, उसका लाभ उठाने के लिए हमें क्या हेल्थ कार्ड बनता है? हाँ, उसके लिए जब आप नया यहाँ पे इनरोल कराते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आप अपना जो डायरी रहेगा, आपका जो पासबुक रहता है आईडी, वो आप लेके वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आपको 4-5 दिन में वो लोग हेल्थ कार्ड बना के देंगे, वो 4 साल आपका चलेगा। और कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हेल्थ कार्ड जो होता है
सिर्फ क्या मतलब पूरा फ्री में होता है, ईच एंड एवरीथिंग फ्री में होता है, फुल बॉडी चेकअप? हाँ सब चीजें यहाँ पे फ्री में, सारे टेस्ट होंगे जितना भी है, सब ट्रीटमेंट आपका फ्री है। मेडिसिन के लिए क्या है कि रीइंबर्समेंट है फैसिलिटी, अगर आपका मतलब केसेस अगर ज्यादा ज्यादा क्रिटिकल है, ज्यादा लंबा ड्यूरेशन अगर चला ट्रीटमेंट, क्रॉनिकल है तो 50,000 तक का मेडिसिन का आपका रीइंबर्समेंट है, और नहीं तो नॉर्मली 20,000 तक का है, बाकी सारे ट्रीटमेंट फ्री है आपका। मतलब हम अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं तो सिर्फ दवा का हमको पैसा शायद देना पड़े, और किसी चीज का जो दवा यहाँ पे उपलब्ध है उनका पैसा भी नहीं लगेगा, जो आपको बाहर से लेना पड़ेगी वो भी आप यहाँ पे क्लेम करके वापस ले सकते हैं, क्लेम करके ले सकते हैं। अच्छा ये फीस क्या होता है पूरे एक साल का फीस? मतलब एक बैच में सिर्फ 60 लोगों को दिया जाता है, हॉस्टल दिया जाता है, और वो फैकल्टी में सीट कितनी है इंस्टीट्यूट में आपके पूरे? वहाँ पे 123 तो एग्जाम के थ्रू आते हैं, बाकी एम्प्लॉय कोटा चलता है, आईसीआर कोटा चलता है, तो 50 सीट लगभग वहाँ से फिल हो जाती है, और बाकी एक इंटरनेशनल कोटा भी चलता है उसके थ्रू 20-25 सीट है, बाकी साउथ कैंपस है वहाँ पे 40-45 सीट वहाँ पे सिर्फ 40-45 सीट वहाँ पे 40-45 सीट साउथ कैंपस इससे बड़ा है 40-45 सीट रखे क्षेत्रफल के आधार पे है भी डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है, जैसे ही वो बन जाएगा वहाँ भी सीट बनेगी, फैकल्टीज भी चाहिए होंगी ना पढ़ाने के हिसाब से, वो तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा पीछे चूंकि ये मेन कैंपस है, मेन कैंपस हाँ, जिसकी सुविधाएं ऐसी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है उसकी तुलना में, और वो नया बन रहा है धीरे धीरे, अभी वहाँ पे ग्रोथ अच्छी हो रही है। अच्छा ये जो 123 सीट आपने बताया हम एम्प्लॉय कोटा का अलग रख देते हैं, सब अलग है एम्प्लॉय, ये सिर्फ एग्जाम जो एग्जाम होता है बीएचयू यूईटी फेयर, एकदम पूरा फेयर सीट है ये, मतलब नॉर्मल फीस वाली, पेड सीट कुछ इसमें शामिल है, इसमें पेड सीट भी शामिल हो गया, कुछ 8-10 के बाद पेड सीट है, पेड सीट का कितना फीस होता होगा लगभग? 20,000 मतलब। अच्छा ये राधा कृष्णन हॉस्टल है, काफी लोग बाहर से भी खाना वाना खाने आते हैं यहाँ पे, खाना बहुत अच्छा मिलता है, खाना अच्छा मिलता है, मेस तो काफी अच्छा है यहाँ पे, इसलिए दूर दूर से लोग आते हैं।
हॉस्टल के रैंकिंग पे नंबर वन पे भी आता है, चार बार आ चुका है। तो वार्डन कैसे हैं यहाँ के? वार्डन बदलते रहते हैं, जैसे स्थायी नहीं है। हम लोग 4 से 5 वार्डन को, वार्डन और एडमिन वार्डन यहाँ पे देख चुके हैं। पहले जब हम आए थे तब दूसरे थे, अभी दूसरे हैं। तो वार्डन ठीक है, चूंकि हम लोगों के प्रोफेसर ही रहते हैं तो इंटरेक्शन हम लोगों का काफी अच्छा रहता है। क्लास में भी उन लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ पे आके भी मिलते हैं, तो काफी फैमिलियर माहौल है। और बच्चों पे ज्यादा डिपेंड करता है हॉस्टल का माहौल, जैसे बच्चे सवाल करेंगे उस तरीके का वहाँ से जवाब मिलेगा, वैसे रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ठीक है। अच्छा, इतना बड़ा हॉस्टल है, आपने बोला कि 240 छात्र रहते हैं जी, कितने वार्डन टोटल रखे जाते हैं? यहाँ पे 3 रखे जाते हैं, 2 वार्डन रहते हैं, 1 एडमिन वार्डन रहते हैं। 3 वार्डन रखे जाते हैं, क्योंकि BHU का एक प्रावधान है कि BHU में अगर आप 80 छात्र अगर एक हॉस्टल में रह रहे हैं तो 80 छात्र पे एक वार्डन, अगर 80 से बढ़ता है तो दूसरा वार्डन। यहाँ पे हमको लगता है 240 है, इसलिए 3 वार्डन रखे हैं। तो तीनों वार्डन क्या संभाल लेते हैं अच्छे से? 3 भी बहुत जरूरत से ज्यादा है, एग्रीकल्चर का जैसा माहौल है वहाँ 1 भी पर्याप्त है, लेकिन 3 बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। छात्रों का इंटरेक्शन क्या है आपस में? जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, काफी फैमिलियर माहौल है, बिना मास्क के बैठे हैं, अच्छा इंटरेक्शन बिना मास्क से। सिक्योरिटी दिखाइए इनको, सिक्योरिटी पीछे अच्छे अंकल है हमारे, गार्ड अंकल है, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं, आर्मी से रिटायर्ड होते हैं, कई कई पोस्ट के भी होते हैं, स्टार लगाए घूमते हैं, वही का मिलता है ना? हाँ, वहाँ यहाँ पे BHU में कोई ऐसा स्टार नहीं दिया जाता, वहाँ की रैंकिंग के हिसाब से वो जो कमाए रहते हैं वो यहाँ पहनते हैं। अच्छी देश की सबसे सम्माननीय नौकरी को छोड़कर ये लोग आए हैं हम यहाँ संस्थान की और विश्वविद्यालय की सेवा में, तो हमको नहीं लगता कि इनसे बेहतर अपने कर्तव्य का निर्वहन अनुशासन को यहाँ पे सब इन चीजों का कोई इनके अलावा कर पाएगा। लेकिन चाचा ये बताइए कि सुना है नौकरी 12 घंटा करा रहे हैं, दे रहे हैं 8 घंटे का पैसा, इस मामले में आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा, बोल भी दिया हूँ, अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा फिर भी। काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, इनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, पूरे गार्ड के जो समूह था, जो एक स्ट्रक्चर था जिसको चीफ प्रॉक्टर ऑफिस संभालता था, उसके पेमेंट में जो वितरण होता है उसको प्राइवेटाइजेशन में कर दिया गया है। 92 करोड़ का पूरा इसका, एक तरीके से एक साल का 92 करोड़ का इसका पूरा है, पूरा टर्नओवर। इसमें इतने पैसे में लोगों को पैसे दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, नई नियुक्ति होती है, हर साल लोग यहाँ पे आते हैं। और गार्ड जो यहाँ पे आपके नौकरी करते हैं, वो गार्ड नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं कि आगे चल के वो यहाँ पे रुके ना रह जाएं किसी एक अलग पोस्ट पे, क्योंकि आर्मी की जो ड्यूटी होती है 15 साल की होती है, 15 से 18 साल की होती है, और उसके बाद वो जो उनका फिटनेस लेवल होता है वो एग्जामिन करने के लिए उनको फील्ड नहीं मिलता, तो वो अलग प्रतिभा दिखाने के लिए, फुर्ती दिखाने के लिए अलग अलग जगह पर नौकरियाँ लेते हैं। और आप अगर आएँ तो इनको सदैव इज्जत दें हमेशा, क्योंकि ये आपके पिता समान हैं, इनकी उम्र लगभग उतनी ही होती है, कहने का पूरा संक्षिप्त वर्णन यही है मेरा। और बात करेंगे हम आप पॉलिटिकल एंगल, जैसे लोग होते हैं छात्र नेता होता है एक, नहीं ऐसा कुछ एग्रीकल्चर में यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ईयर भी जो आता है वो सबकी सुनता है, फिर उसके ऊपर जैसे जैसे जाते हैं वही है, वैसे वैसे सुनते रहते हैं। रिलीजियस एंगल मतलब सेक्युलर है, बिल्कुल एकदम सेक्युलर, हिंदू मुस्लिम से किसाई वेद नहीं है, कोई वेद वेद ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदू है एक वेद है, सबको भाई भाई माना जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई पे इदारा यहाँ पे चलती है, एक ही बर्तन में खाते हैं, एक ही जगह रहते हैं। अभी मेस बंद है, नहीं तो आप देख भी सकते थे एक ही साथ बैठ के खाते हैं। अच्छा, ये सवाल नहीं आता है, इतने बड़े संस्थान में आप बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने वालों से ये सवाल पूछते हैं तो मुझे नहीं लगता इस सवाल का कोई आधार है कि जातीयता और धार्मिकता यहाँ पे चलना ऐसा कोई मतलब इंस्टीट्यूशन में ऐसी चीजें नहीं चलती हैं। खासकर मैंने ये जो स्टूडेंट लाइफ ब्लॉग का जो चैनल स्टार्ट किया जब, तो मैंने आर्ट्स एंड सोशल से ज़्यादा ये सब चीज़ें स्टार्ट की, तो काफ़ी लोग छात्र नेता मिलते हैं अपने आप को बताने वाले कि हम छात्र नेता हैं। चीज़ अच्छी है, अच्छी है, देखिए राजनीति, शायद उन छात्र नेता को उनके फैकल्टी का नाम कोई और फैकल्टी वाले जानते भी नहीं। नहीं, देखिए एक बात हम आपको बताएं, राजनीति, हम आपने भी सवाल पूछा तो पॉलिटिकल बोल के आप थोड़ा सा हंस दिए, उस तरीके की मुस्कान थी आपकी जिस प्रकार का कोई व्यंग मारते हैं। राजनीति बहुत अच्छी चीज है, जो शब्द में नीति लगा हुआ वो बुरी नहीं होती है। राजनीति से हमारा देश चल रहा है, राजनीति से हमारा शासन प्रशासन घर चलता है, नीतियों से घर चलता है ना, उसमें नीति राज लगा हुआ है वो बड़े स्तर पे है, बुरी चीज नहीं है। यहाँ आप भी वोट डालते हैं, हम भी वोट डालते हैं, बाकी यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, तो वो अच्छा
240 लोग हैं यहाँ पे, मतलब टोटल अगर स्ट्रेंथ रहेगी 240 रहेगी, तो मिस कितने हैं टोटल? एक ही मिस दो मिस दो मिस हैं, दो मिस इतने बड़े पॉपुलेशन को संभाल रहा है, बाहर के भी संभाल लेते हैं, बाहर के भी संभाल रहा है, संभाल ले बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे। एक बार अय्यर में झगड़ा हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था क्या? हम 4 साल से यहाँ पे हैं, हमने कोई ऐसा झगड़ा नहीं देखा है बाहर। मेस में खाने के लिए अय्यर में झगड़ा किए थे कि कहीं और झगड़ा किए थे? अय्यर में हुआ था, अय्यर में झगड़ा किए थे। 2-3 साल ऐसा नहीं है, कॉपरेशन है, कॉपरेट करते हैं वो लोग भी। जब दिक्कत होती है, ज्यादा लड़के बाहर से आने लगते हैं, तो बोल दिया जाता है कि थोड़ा सा टाइम करें। देखिए, कोई भी शौक से नहीं आएगा, या तो अच्छा सुविधा उसको मिलेगा तो आएगा, या उसको जरूरत होगी, पेट की जरूरत के कारण यहाँ पे आता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा हॉस्टल है, हमारा मैस है, हमारा खाना है, नहीं है। जो लोग यहाँ पे मैस चला रहे हैं, उनका भी अपना छोटा सा व्यापार है, घर परिवार है। यदि हमसे उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वो लोग बाहर के लोगों को अलाउ करते हैं। यहाँ पे जब माहौल सामान्य रहता है, अधिकतर समय सामान्य ही रहता है, तो सभी लोग आते हैं, खाते हैं। और जब कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार का कोई बवाल है, कुछ कारण है, तो उसके चलते गेट वगैरह बंद रहते हैं, तब थोड़ी सी छानबीन गार्डन का लोग करते हैं कि कौन है, किस संस्थान से। चूंकि जैसे अभी मोदी जी आए थे, माननीय प्रधानमंत्री हमारे, तो उस समय पे हॉस्टल बंद कर दिया। ऐसी कोई परिस्थितियां बनती है तो नहीं, तो सब आते हैं, सब खाते हैं, सब मिल बैठ के खाते हैं। मोदी आए तो हॉस्टल बंद कर दिया गया था? नहीं, वो बंद उस तरीके का बंद नहीं, लेकिन थोड़ी सी पाबंदियां, सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी कि कोई ऐसे लोग शरण इसमें ना ले जो संकट मोचन का आपने सुना होगा कि यही रहने वाले छात्र का उसमें भागीदारी रही है, तो उसके चलते थोड़ा। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा है, अच्छा प्रधानमंत्री अपने प्रोटोकॉल रहते हैं। तो मेस की हमने पूरी बात कर ली, कैंटीन की बात करेंगे। कैंटीन मेस तो हमारा 2-3 घंटे का समय होता है, एक 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक आप खाना खा सकते हैं, रात के 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक खाना खा सकते हैं। कैंटीन क्या पूरे 24 घंटे? नहीं, ऐसा नहीं है। सुबह 8 बजे से क्लास है तो शुरू हो जाता है, 7 बजे से कैंटीन शुरू हो जाता है, वो लगभग 12 बजे मेस चालू होता है, उससे 1 घंटे पहले तक चलता है, 11 बजे तक चलता है। अच्छा, फिर उधर दोपहर का जब मील चलता है तो 2 बजे तक मैच चला है, तो 3 बजे से फिर कैंटीन से। कैंटीन और कैंटीन में क्या होता है? पराठे, दूध? हाँ बिल्कुल, मैगी, वैरायटी है, मैगी, दूध, पराठे, अंडे, अच्छा चलता है। जो भी एक स्टूडेंट डाइट के लिए इम्पोर्टेंट होती है, हल्की हल्की दलिया, समोसा, छोला, समोसा, पूरी, कचौड़ी, कचौड़ी जो बनाते हैं, अच्छा ये सब देते हैं। MTS के बारे में कुछ बताएंगे? जो नए नए छात्र आते हैं, अपना रूम बेचारे खुद साफ करने लगते हैं, MTS के बारे में बताइए, वो कैसे यूजफुल होते हैं? देखिए, जिसके लिए वो रखे गए हैं वो अपना करते हैं। हाँ ठीक है, नए बच्चे आते हैं उनको नहीं पता रहता, अपने से करते हैं, उसमें भी कोई गलत नहीं है, लेकिन जब भी कहते हैं मांग करते हैं तो होता है। हर लॉबी में एक MTS उस लॉबी में देखते हैं साफ। अच्छा, मतलब 240 स्टूडेंट हैं, कई ठो लॉबियां हैं, तो लगभग 4 एक ईयर का एक रहता है, एक ईयर में एक, उन लोगों को आपस में बांट दिया गया है, 4 लोग हैं, वो लोग काम करते हैं अपना। सुबह का काम है, जब सभी बच्चे रहते हैं तो एक सुबह सबसे पहला उनका काम रहता है सबके रूम में जाके झाड़ू लगाना। हमारे लिए अलार्म भी वही है, उठाते हैं सुबह सुबह, उन्हीं की वजह से क्लास भी चले जाते हैं। सुबह आएंगे, झाड़ू लगाएंगे तो उठाएंगे, क्लास चलेंगे। अच्छा, आके रूम में झाड़ू लगाते हैं, मतलब वो आपका मन है, यदि आप सोना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए, नहीं लगवाएंगे। अच्छा, ये मतलब वो रूम साफ करेंगे, हाँ, पूरा ये सब चीजें लॉबी साफ करेंगे, फिर यहाँ गार्डन गार्डन वार्डन माली माली है, गार्डन के लिए माली अंकल हैं, वो अलग हैं, और बाथरूम की सफाई के लिए एक और अली अंकल हैं, जिनको हम लोग जब प्रोग्राम कराते हैं तो इन लोगों को भी हम उसमें शामिल करते हैं। जैसे खाना तो सब लोग खाते ही हैं, इन लोगों को अवार्ड भी हम लोग देते हैं, सबको एक कॉमन दिया जाएगा, कोई भी अंग वस्त्र भेंट करते हैं, कुछ भी छोटा सा एक तोहफा वो लोग हमारे लिए हैं, तो हम लोगों को कुछ फर्ज बनता है उनके लिए। बाकी एक बेस्ट जो एम्प्लॉय होगा उसका अवार्ड भी हम देते हैं, कि जब कोई पुराने एम्प्लॉय रिटायर होकर जाते हैं तो उनके लिए भी हम लोग फेयरवेल देते हैं। हाँ, रिस्पेक्टफुल काम चीजें चलती रहती है यहाँ पे। अच्छा, कल्चरल फेस्टिवल का क्या माहौल है? आपने थोड़ा सा हमको बताया था, मैंने वहाँ पे एक विवेकानंद करके क्या विवेकानंद डिवाइन लाइफ मिशन एक संस्था है, जो हमारे यहाँ के एक्स वार्डन, पुराने वार्डन जो 4 साल लगभग वार्डन रहे हमारे ही प्रोफेसर, वो यहीं से पढ़े हुए हैं, इसी हॉस्टल में रहे हैं, उनके ही द्वारा स्थापित की गई है, उनके और उनके एक मित्र के द्वारा स्थापित की गई थी, उन्होंने आगे बढ़ाई, फिर उसी परंपरा को यहाँ पढ़ने वाले छात्र आगे बढ़ा रहे हैं। अब एक थोड़ी बड़ी संस्था का उसने रूप ले लिया है, लाइब्रेरी हो गई है, लाइब्रेरी के रूप में उसकी शुरुआत हुई थी एक रूम से, फिर अब एक बड़ा कॉमन रूम हॉस्टल का उसको मिल गया है,
सभी विषय की वहाँ पे किताबें दी जाती हैं, रखी हुई हैं। आप जाइए, आपको घर पे यहाँ पे रूम में लेके पढ़ने का मन है तो आप वहाँ साइन करके आप रूम में लेके आइए, आपको वहाँ बैठ के पढ़ने का मन है आप वहाँ बैठ के पढ़िए। वहाँ पे अच्छा माहौल है, 15 लोग लगभग वहाँ पे बैठ सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है। और उसको चलाने के लिए कुछ थर्ड ईयर से कुछ 10-12 मेंबर उसके बनते हैं, जो उसका सारा देखते हैं, फंडिंग कहाँ से, सभी बच्चों से ही पैसा कलेक्ट किया जाता है। वो यूथ डे ऑर्गेनाइज कराती है BDLM, और एक दिसंबर के महीने में कपड़े वस्त्र दान का कार्यक्रम होता है। सभी छात्र पुराने नए वस्त्र इकट्ठे करके उसमें जमा करते हैं, फिर वो मेंबर लोग जाके यहाँ बनारस में जिनको ज़रूरत होती है वो बस उनको बांटते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप भी लगता है, अभी बंद है लेकिन पहले लगा करता था, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, मीठा है। अच्छा भैया, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज यहाँ पे कैसी है? इलेक्ट्रिसिटी तो आप भी देख रहे हैं, 24 घंटे रहती है। वाटर के लिए वाटर कूलर रखे हुए हैं, अभी वैसे जनरल 2 मैस में है, 2 यहाँ पे बाहर है, 4 वाटर कूलर है, पर्याप्त। अच्छा, पर्याप्त है ये। और इलेक्ट्रिक अप्लीकेंसेस किस तरीके का यूज कर सकते हैं? बढ़िया मांग है, क्या चीज नहीं उसका? तो एसी नहीं लगा सकते, हीटर नहीं लगा सकते, एसी नहीं लगा सकते, कूलर नहीं लगा सकते हैं। अब हाई वोल्टेज अप्लायंस नहीं यूज कर सकते हैं, और हॉस्टल जिससे बाकी छात्र हैं, छात्र जीवन की कोई सीमाएं नहीं, कुछ सीमाएं नहीं होती है, जैसे आप कंफर्टेबल है जिस चीज का आपको उपयोग। बाकी इन चीजों की आवश्यकता, इतने पेड़ हैं, यदि कोई ना कटवाए तो पेड़ बहुत हैं संस्थान में, विश्वविद्यालय में देख रहे हैं आप, 1,75,000 2017 का सर्वे है, यहाँ पे पेड़ है 1,75,000 पे। हाँ, ये सर्वे है 2017 में, हमको बताया गया था, काउंसलिंग में आए थे, लेकिन अब ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की ये बदनसीबी कहो या फिर काम ना करने की चीजें कहो, कि यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ जो बुजुर्ग पेड़ हैं वो टूट के गिर रहे हैं, उनको काटा जा रहा है। काफी 100 साल पुराने हो गए, काफी पुराना कुछ नहीं होता, पुराने हैं लेकिन उनका एक मेंटेनेंस होता है ना, जैसे हमको पढ़ाया जाता है एग्रीकल्चर वाले हम लोग हैं, उनमें पानी नहीं मिलेगा बरसात के अलावा, उनकी व्यवस्था नहीं की जाएगी, कटिंग प्रूनिंग वो सब होता है, कुछ नहीं किया जाएगा तो टूटेंगे ही, खोखले हो जाएंगे, खोखले होकर गिरते हैं। अच्छे पेड़ भी रहते हैं उनको भी काट दिया जाता है, बिल्डिंगें बना दी जाती है, अलग अलग काफी सारे नए निर्माण BHO में चल रहे हैं जी। अच्छा, एक न्यूज भी सुना है कि नहीं, अभी फिलहाल में मोदी जी जब आए थे यहाँ पे तो गए थे शिक्षक के फ्लैट का इनॉग्रेशन करने, जिस फ्लैट का वो इनॉग्रेशन किए, जहाँ पे वो खड़े थे वहाँ का ऊपर का फॉल सीलिंग गिर गया, एक दिन बाद उनके जाने के 24 घंटे भी नहीं हुए थे, फॉल सीलिंग गिर गया वहाँ का, वो सुख नहीं रहे होंगे, गिरा कुछ के लिए बनाया गया, लेकिन पुराने बिल्डिंग एक नंबर, मतलब विश्वास पे बना हुआ है पुराना। हाँ, ये 1952 का इसका निर्माण है, और अभी आप देख लीजिए 3-3 फीट चौड़ी दीवारें हैं, अभी आप बैठे हैं, सुरक्षित है, एकदम ठंडा माहौल, गर्मी में भी ठंडगी रहती है पूरी एकदम। अब नए लोग वैसा नहीं बना पाएंगे, नहीं वैसा नहीं है, जितने भी नए सुविधाएं बढ़ी हैं, मजबूती घटी है। अच्छा, पेट वेट अलाउड करते हैं क्या? कोई कुत्ता बिल्ली रखना चाहे, शौकीन तो लोग होते ही हैं, गाय में एग्रीकल्चर वाले हैं तो गाय में साफ रखना चाहे, गाय रख सकते हैं, परमिशन लीजिएगा वार्डन से रखिएगा, उसके लिए कुत्ते बाकी हम लोग रखे हैं, एक का नाम आंसू है, एक का नाम सिमरन है, दो कुत्ते हैं, आंसू और सिमरन दो कुत्ते हैं हमारे पास, का नाम भी है तो उसका नाम भी है। अच्छा, लाइब्रेरी फैसिलिटीज हैं क्या सर? हाँ, हॉस्टल में तो BDLM बताए हैं हम, 15 लोगों की कैपेसिटी, 15-20 लोगों की। इंस्टीट्यूट में अपनी खुद की लाइब्रेरी है, और बाकी लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी, और एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी आप सुनी, हम केंद्रीय ग्रंथालय, शिवाजी गायकवाड़, शिवाजी गायकवाड़, आप लोग के फैकल्टी के जस्ट सामने है वो, सयाजी का। अच्छा, हम अपना खाना बना सकते हैं क्या खुद रूम में बैठ के? जरूरत नहीं पड़ती है बनाने की, जैसे कि किसी का मन कर दिया कभी कुछ खाने का, फिर मैस वाले भैया भाग गए हैं, BHO में कहीं भी मैस नहीं चल रहा, ढेर सारे सिचुएशन होते हैं। हाँ, तो ऐसे में क्रिटिकल, अब हो ही गया इमरजेंसी में तो क्या कर रहे हैं आप लोग? कभी नहीं बना के खाए क्या? अब बना के खाए हैं हम, जब ऐसी सिचुएशन हुई है कि मैस नहीं है, कैंटीन नहीं, अच्छा खाना नहीं, हमको खिचड़ी की जरूरत है, बीमार है, तो वैसे ये सब चीजें भी उपलब्ध है, जैसे आपको खिचड़ी चाहिए आप मैस में कैंटीन में बोलिए आपको मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन जब आपको लगे तो आप बनाएंगे। वाईफाई का क्या है? वाईफाई ये लगे हुए हैं, इंटरनेट राउटर देख रहा हूं, राउटर लगे हुए हैं इधर, मैं 4 GB पर डिवाइस, बहुत दूर राउटर लगा, 4 GB पर डिवाइस, लेकिन 4 GB से ज्यादा यूज कर सकते हैं आप? मैं लगभग, अगर आपके पास कई डिवाइस हैं तो नहीं, मैं एक सिंगल डिवाइस से मैं लगभग 20-25 GB यूज करता हूँ एक दिन में, क्योंकि मुझे अब ये वीडियो बना रहा हूँ 30
30 मिनट का होगा, 40 मिनट का होगा, इसको अपलोड 4K में अपलोड करना है, तो इसके लिए डाटा चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, तो लगभग मिल जाता है। और भी अच्छा, रैगिंग का क्या है, जूनियर्स के साथ कैसा व्यवहार है? ऐसा कुछ भी नहीं है, रैगिंग मुक्त परिसर है। रैगिंग मुक्त परिसर है, बिल्कुल रैगिंग नहीं होता, नॉर्मल इंटरेक्शन होगा। बिना इंटरेक्शन के हम आपस में कैसे जानेंगे? इंटरेक्शन मतलब इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन तो क्या कॉमन रूम में बुला करके? हाँ वैसा होगा, कॉमन रूम में बुलाएंगे या फिर इंडिविजुअली जाएंगे उनके पास। अच्छा 15 दिन का कोई एक कराया जाता है, 15 से 20 दिन का, 5 सितंबर हॉस्टल ले, 5 सितंबर तक लगातार हॉस्टल ले, अलग अलग ऐसे राइटिंग इवेंट्स, लिटरेरी इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट, बैडमिंटन, रनिंग सब होता है। हाँ तो बस वो स्टार्टिंग में ही होता है, एक ही बार होता है, रुक जाइए उसको बंद कर दीजिएगा। अच्छा तो एट लास्ट हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर मतलब बहुत शॉर्ट में बताइएगा, ये जो एग्रीकल्चर का आपका एंट्रेंस एग्जाम है बीएससी एग्रीकल्चर का, कितना कठिन है, मतलब कैसे फॉलो करें हम अपना सिलेबस को, तो यहाँ पहुँच जाएंगे शॉर्ट में? ठीक, कठिन है। आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो उसके लिए मैं बताऊँ आपको, 100 नंबर का एग्रीकल्चर आता है, जिसमें से थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो दोनों एक ही सब्जेक्ट में 100 नंबर का नहीं, और उसमें 100 क्वेश्चन टोटल रहते हैं, 150 नंबर का आता है। हाँ 150 नंबर का आता है, 50 क्वेश्चन उसमें एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री के रहते हैं, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहते हैं, 75 नंबर का ये हो जाता है, और 25 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के रहते हैं, 75 नंबर ये हो जाते हैं, टोटल 300 नंबर है। 200 नंबर आप यदि 200 प्लस ला रहे हैं, और फिर रिजर्वेशन अलग अलग पीएच कोटे का या फिर अलग अलग जो रिजर्वेशन है उस हिसाब से बोल, लेकिन नॉर्मल जो कट ऑफ है वो 200 नंबर यदि आप ला रहे हैं 200 प्लस तो लगभग हो जाता है। और सिलेबस हमको जैसे कि अगर हम अपना 11 12th बायो बैकग्राउंड से है, हाँ तो आप बायो फिर एग्रीकल्चर की जगह आपको बायो आएगा, बॉटनी जियोलॉजी आएगा, 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बॉटनी और जियोलॉजी में बैठा होता है, 25 क्वेश्चन मैथ से है तो आपको मैथ 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री और रीजनिंग सेम रहेगा। 200 के ऊपर आया तो हमारा आता है, मैं कह नहीं सकता, पेपर पे डिपेंड करता है, जैसे हम लोग आए थे तो पेपर थोड़ा सा टफ आया था तो मैं कट ऑफ नीचे गया था, जनरल का कट ऑफ 182 समथिंग था, और पिछली बार ये जाते जाते 244 चला गया था जनरल कैटेगरी का, वो मतलब कट ऑफ 182 से 244। अच्छा ये 244 जिस दिन था सबसे नीचे वाला गया था जिसपे खत्म हो गया, नहीं अब इसके बाद एडमिशन 244 वाला का नहीं हुआ था, जनरल का 245 पे हुआ था, बाकी क्लोज हो गया 245 पे हुआ था, बाकी क्लोज हो गया था। मैं नहीं, ये तो सबसे लोएस्ट 125 होगा ना, नहीं 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 मिनिमम कट ऑफ, वो कट ऑफ मिनिमम होता है जनरल कैटेगरी का, वो जनरल कैटेगरी का, बाकी एससी कैटेगरी का उससे 20-25 नंबर कम था। अच्छा मतलब ये कट ऑफ होता है, पेपर पे डिपेंड करता है, पेपर पे डिपेंड करता है कैसा पेपर आया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। दोस्तों इसी तरीके से हमने सारा चीज ऑर्गेनाइज किया और आपको दिखाने की कोशिश की, जो भी कुछ छूटा होगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, कभी कोई मिलेगा तो फिर से कवर करेंगे।